मच्छर बहुत है। तो देखिए यहाँ देखिए जो आप बेल देख रहे हैं ना ये हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं कर रही इवनिंग के 4:30 से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हुई हूँ तैयार, क्योंकि मैं ना आपको अपने साथ ले जा रही बहुत ही खास जगह पे। तो बहुत जल्द ना नंदा सुनंदा महोत्सव स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम जा रहे हैं कदली वृक्ष को निमंत्रण देने के लिए, यानी केले के पेड़ को। तो आज है चतुर्थी, तो आज ना निमंत्रण देने जाएंगे और कल पंचमी के दिन ना केले का पेड़ लाएंगे और उन्हीं से ही नंदा सुनंदा ना बनाए जाते हैं। तो चलो फिर आप लोग को भी दिखाते हैं कि पहाड़ वाला कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब मैं भी बाहर निकल गई और देखिये पूरे हर्षोल्लास के साथ सब जा रहे हैं। और नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन ना बागेश्वर की जो रामलीला कमेटी है ना उसी के द्वारा किया जाता है। तो अभी मैं आपको ना अपने साथ लेके जा रही हूँ ठाकुर द्वारा, जो बागेश्वर में ही आता है और वहाँ राम मंदिर है, वहीं हम जाएंगे और उधर ही होगी पूजा। ठाकुरदारा मैंने देखे यहाँ गाय भैंस ही पाली, इनके लिए ना धुआं भी लगा रखा है। तो पहुँचने वाले हम लोग लोकेशन पे और यहाँ ना बिल्कुल गांव वाली फील आ रही है। तो पहुँच गए हम लोग और मेरे साथ ना देखिए चंद्रा दीदी है, हमारे पड़ोसी। तो गला हमारा सूख गया, हमारे लिए देखिए पानी की भी पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। तो मुझे ना बागेश्वर में इतने साल हो गए हैं और यहाँ मतलब ठाकुरदारा राम मंदिर में ना मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। देखिए तो सब बैठ गए हैं, अब यहाँ पूजा पाठ होगा और भजन कीर्तन। तो मंदिर में ना भजन कीर्तन चल रहे हैं और केले के पेड़ के पास हो रही पूजा, चलो फिर वहीं चलते हैं। यहाँ ना हरियाली होने की वजह से मच्छर बहुत है, तो देखिए यहाँ धुआं भी लगा रखा है। कदली वृक्ष के पास ना पूजा होने लगी और यहाँ देखिए मेरी नजर पड़ी है भिंडी में, कितने बड़े बड़े भिंडी हो रखे हैं इधर और यहाँ से देखो दूर तक फैले हुए हैं भिंडी के पेड़। तो इस साइड ना मुझे गडेरी और पिनालू के पेड़ दिख रहे हैं, जिसके स्टेम ब्राउन है वो है गडेरी, जिसके व्हाइट है वो है पिनालू। तो गांव घर में ही देखने को मिलती है चीज। मच्छरों की वजह से ना यहाँ धुआं लगा रखा है, ये धुआं ना इतना तेज हो गया ना हमारी आंखों में जा रहा है। तो यहाँ इतनी खेती बाड़ी हो रखी ना, इस साइड भिंडी के पेड़ है और ये देखिए ये जो आप बेल देख रहे हैं ना ये कद्दू की है, ये देखिए वो आगे तक गई हुई है। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ना मुझे यहाँ खाद दिख रहा है खेतों में डालने के लिए, और पहाड़ में ना इसको कहीं जगह मो बोला जाता है कहीं पोस। के पेड़ की ना पूजा हो गई है और अब हम सब ना घर को जाने लग गए, अंधेरा भी बहुत हो गया है। तो कल सुबह ना दोबारा यहाँ आएंगे और केले के पेड़ को ले जाएंगे, उसी से बनेंगे नंदा सुनंदा माता। तेरे को
चलते चलते ना हमारा मनोरंजन भी कर रही है पूजा। पूजा मैम सुनाओ फिर। कोई यार नहीं इस जहान में। बहुत बढ़िया। प्यारे दर्शकों अपना घर आ गई हूँ और 8 बजने वाला है और खाने की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। भिंडी तो सासू माँ ने काट दी है। अब मैं फटाफट ना सब्जी चढ़ाती हूँ और सब्जी चढ़ाने से पहले नदिया को कुछ खिला देती हूँ क्योंकि जाने से पहले कुछ खिलानी गई थी मैं, और फिर आटा भी गूंथते हैं। कहते हैं ना जब जल्दी हो रही रहती है ना और लेट होता है। ये देखो प्याज जल गया मेरा। नदिया को मैं हलवा खिलाने गई थी ना प्याज चढ़ा के, ये हाल हो गया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग के ना 7 o'clock हो रखे हैं और मैंने चढ़ा रखी है अपने लिए चाय, और फटाफट ना मैं घर के अपने काम निपटा रही हूँ क्योंकि उसके बाद ना मैं आपको ना बहुत ही खास जगह ले जाने वाली हूँ। आपको ना वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और कल ना इतनी हबड़ तबड़ हो गई थी, हमें खाना खाते खाते 11 बज गए थे क्योंकि 8 बजे तक मैं घर ही पहुँची थी, तो खाने बनाने में बहुत देर हो गई थी। तो चलो फिर अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और देखिए सुबह का ना कुछ ऐसा व्यू है बागेश्वर का। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली, चिड़ियाओं की चहचहाट। अरे घर से ऊपर को ये चंडिका की पहाड़ी है और इस साइड देखिए अभी भी फॉग लगा हुआ है। मैं जूम करती हूँ, ये देखिए उधर पहाड़ों में पीछे। किचन में अभी सब मैस हो रहा है, इसमें मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और इसमें बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। हो गया है और मुझे जाना है कहीं खास जगह, उसका भी वीडियो बनाऊंगी और नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को नहीं एंड करते हैं। पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।